लास्ट क्लास हम लोग ने फोर्टीन तक किया था ठीक है हो एंड लोकल नेटवर्क इंटरनेट आर ग्रुप टुगेदर इनटू तो इसका आंसर था डोमेंट्स ठीक है द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू ब्राउज द इंटरनेट द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू ब्राउज द इंटरनेट नेविगेटर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर एनसीएसए मोसाइक ऑल ऑफ दी एबव तो ये हो जाएगा डी ऑल ऑफ ब्राउज़ द इंटरनेट ठीक है तो इसके बारे में भी आया था जे डबल ए में है ना जस्ट लास्ट ये आसम सेक्रेटरीट जे डबल ए में ये क्वेश्चन आया था उसमें नेटस्केप नेविगेटर था और इसका था ऑप्शन में ये था ठीक है तो अगर ये वाला हम लोग क्वेश्चन पहले पता रहता तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसको क्लिक कर सकते थे ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा इस यहाँ का द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू ब्राउज द इंटरनेट नेटस्केप नेविगेटर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एन सी एस ए मोसाइक ऑल ऑफ द एबोव तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव हुच प्रोटोकॉल इज यूज टू लॉग ऑन टू ए रिमोट मशीन टेलनेट एच टी पी स्लिप या फिर नन तो ये हो जाएगा टेलनेट लॉग ऑन टू ए रिमोट मशीन क्या हो जाएगा टेलनेट टी ई एल एन ई टी ठीक है वर्ल्ड वाइड वेब Is a part of the internet, is another name for the internet, both A and B. Yeah, none of this. So, this be C, both A and B, is a part of the internet, and is the another name for the internet, WWW, World Wide Web. Okay. World Wide Web kya hai? is a service. Okay. फॉर ब्राउजिंग द इंटरनेट वी मेक यूज ऑफ नेविगेटर गोल्ड लाइन एडिटर या फिर नन तो ये हो जाएगा डी एक भी नहीं यहां से विच इज नॉट ए प्रोटोकॉल गोफर मेल टू न्यूज नन तो ये भी हो जाएगा नन ठीक है इनमें से कोई नहीं है प्रोटोकॉल विच ओप इज नॉट ए डोमेन नेम हियर Which one is not a domain name here? .com, डॉट .gov, .exe. तो ये सारे डोमेन नेम है ठीक है तो डॉट ई नहीं है ये एक सेटअप फाइल जैसा है ठीक है और ये वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है ठीक है वर्ड फाइल का एक्सटेंशन भी है डॉट ई for गोफर डिस्प्ले सेट ऑफ रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एंड मेन्यूज icons आइकनस या फिर नन तो गोफर क्या करता है डिस्प्ले सेट ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एंड मैनूज मॉडर्म्स एंड राउटर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर पर्पस स्पीड ऑफ फंक्शनिंग या फिर नन तो मॉडर्म एंड राउटर्स डिफरेंट क्या हो जाएगा पर्पस? अभी राउटर क्या है राउटर इज ए डिवाइस दैट डिसाइड्स द बेस्ट रूट टू बी फॉलोड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा एच टी एम एल इज ए हाइपर मीडिया लैंग्वेज हाइपर मार्कअप लैंग्वेज हाइपरमीडिया मैनेजमेंट लैंग्वेज या फिर नन तो एच से हम लोग क्या करते हैं वी क्रिएट वेब पेज है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वेंटी थ्री बी हाइपर मार्कअप लैंग्वेज दैट आर द प्रोग्राम दैट क्लेम्स टू डू समथिंग बट डू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट एंड डैमेज द कंप्यूटर मतलब बोलते हैं कि देखो मैं ये करने वाला हूं पर उसका बिल्कुल अलग ही करते हैं तो वो क्या चीज है वायरस वोम्स ट्रोजेंस बी एंड सी बोथ मतलब वोम्स एंड ट्रोजेंस बोथ तो ये हो जाएगा सी ट्रोजेंस विच आर द फॉलोइंग स्टार्ट इन्फेक्टिंग वेन द मशीन इज स्विच ऑन फाइल वायरस स्लेड वायरस बूथ सेक्टर वायरस या फिर वोम ठीक है और यहाँ पे अगर बोलते हैं ट्रोजन ठीक है ट्रोजन इज ऑल्सो टाइप ऑफ वायरस ओके और यहां पे क्या होता है जैसे हम लोग सी पी ऑन करते हैं ठीक है तो हम लोग पहले क्या करते हैं बूटिंग करते हैं तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस विच आर द फॉलोइंग एटैच सेल्फ टू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स फाइल वायरस स्लेट वायरस बूथ सेक्टर वायरस या फिर वर्म्स ये हो जाएगा ए फाइल वायरस

रिगार्डिंग कंप्यूटर वायरसेस ठीक है वायरस के बारे में बोल रहे हैं तो वायरस क्या करता है उन लोग क्लोन कर देते हैं ठीक है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्लोन तो चलिए सेट फाइव की तरफ चलते हैं कमर्शियली प्रोड्यूस फर्स्ट कंप्यूटर आई बी एम एम आई पी एस यूनिवैक वन एट सेक तो ये क्या हो जाएगा यूनिवैक वन बैंक्स एंड अदर बिग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड लार्ज डेटा स्टोरेज यूज लैपटॉप पीसीस डेस्कटॉप पीसीस मेन फ्रेम कंप्यूटर वर्क स्टेशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेन फ्रेम जैसे दिखेगा कि बिग ऑर्गेनाइजेशन वो लोग क्या यूज़ करते हैं ठीक है डेटा स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर लैपटॉप या पीसी में तो रख नहीं सकते हैं ठीक है हाई लेवल लैंग्वेज यूजफुल बाय द बिगिनर इज़ बेसिक पासकल फोर्टरन या फिर कोबॉल देखो कोबोल का फुल फॉर्म क्या है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बिजनेस यहाँ पे ऑलरेडी है कोबोल तो यूजफुल बाय द बिगिनर्स क्या है बी कोबोल ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा डी कोबोल फॉर साइंटिफिक वर्क द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज पास्कल फोर्ट्रैंड कोबोल या फिर प्रोलॉग तो ये हो जाएगा फोट्रॉन इसका फुल फॉर्म form है फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज विच इज नॉट पोर्टेबल कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर कैलकुलेटर सीरीज कंप्यूटर या फिर पैरेलल कंप्यूटर तो ये हो जाएगा डी पैरेलल कंप्यूटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस ए डी ए प्रोलॉग पास्कल या फिर फोट्रैन यहां पे क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब इसके एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर होगा एडीए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज एडीए इंफॉर्मेशन इज समराइजेशन प्रोसेस ऑफ डेटा डेटा इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल फ्रॉम फॉर्म ऑफ डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स तो ये हो जाएगा इन्फॉर्मेशन समराइजेशन प्रोसेस ऑफ डेटा सारे डेटा को समराइज करके प्रोसेस करते हैं टोटल मेमोरी ऑफ सिस्टम कैन बी नोन यूजिंग डी आई आर कॉमांड्स एम ई एम कॉमांड्स वामबूथ टॉटमेम कमांड्स तो टोटल मेमोरी ऑफ सिस्टम कैन बी नोन यूजिंग एमएम कमांड्स फॉर रनिंग विंडो मिनिमम डिस्क स्पेस फ्री डिस्क फ्री स्पेस रिक्वायर्ड इस डिस्क फ्री स्पेस रिक्वायर्ड इज एट एम बी टेन एम बी सिक्सटीन एम बी या फिर थर्टी टू एम बी तो ये हो जाएगा क्या ओनली एट एम बी ठीक है कितना डिस्क फ्री स्पेस चाहिए इसको रन करने के लिए ओनली एट एम बी द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर आर गोफर वाइस सर्न या फिर मोजैक तो ये हो जाएगा डी मोजैक द प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर ब्राउजर प्रोग्रामर तो ये हो जाएगा द प्रोग्राम इज टू व्यू वेब पेज वेब पेज हम लोग किससे खोलते हैं ब्राउजर से खोलते हैं ठीक है एफ टी पी मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल टेलनेट प्रोटोकॉल फाइल फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग फाइन ट्यूनिंग प्रोग्राम तो ये तो अभी तक रट गया होगा ठीक है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच एवंग द फॉलोइंग इज फास्टर देन मेन मेमोरी ये वाला भी हम लोग पिछले सीरीज में कर चुके हैं ठीक है जो पुराने वीडियोज है उसमें कर चुके हैं रैम रोम कैचे या फिर नन तो ये क्या हो जाएगा फास्टेस्ट मेमोरी किसका होता है कैचे ए सेमी कंडक्टर नोन एज रैम रोम प्रोम या फिर एप्रोम तो सेमी कंडक्टर नोन एज रैम तो रैम और रोम रोम क्या होता परमानेंट मेमोरी रैम क्या है टेम्पररी मेमोरी ठीक है इन विच जनरेशन कंप्यूटर आईसी हैज बीन यूज फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है आईसी हम लोग कब यूज किए थे तो आई सी हम लोग ने यूज किया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट मशीन डिपेंडेंट ए एंड बी आर ट्रू बोथ एंड बी आर फॉल्स तो ये हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज आर मेशीन इंडिपेंडेंट हाइपर टेक्स्ट इज टेक्स्ट स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर टेक्स्ट डिस्प्लेस ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर स्पेशल टेक्स्ट यूज इन डेवलपिंग इंटरनेट डेवलपिंग पैकेजेस ए सिस्टम ऑफ मैनेजिंग टेक्सुअल इंफॉर्मेशन बाई क्रिएटिंग एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो यहां पे हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट क्या होता है इज अ सिस्टम ऑफ मैनेजिंग टेक्चुअल इंफॉर्मेशन बाई क्रिएटिंग एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स फोल्डर्स डायरेक्टरी या फिर डेटा डिक्शनरी तो फाइल uh, uh, इससे कैसे स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन फाइल्स टी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसफर कंट्रोल प्रोसेस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज होस्ट क्लाइंट मॉडर्म सर्वर इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या कहते हैं तो सबको क्या कहते हैं होस्ट कहते हैं द टर्म ओवर फ्लो मीन्स एंड एक्सेस इंटरनल स्टोरेज एक्सेस एक्सटर्नल स्टोरेज ए सिचुएशन वेर द रिक्ड कैनॉट फिट इन टू इट्स राइट प्लेस ए डिवाइस विच कंट्रोल द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन द कंप्यूटर रूम तो ये हो जाएगा टर्म ओवर फ्लो मीन्स एन एक्सेस ऑफ इंटरनल स्टोरेज और बहुत ने कहा है कि एक कंप्यूटर का पूरा चैप्टर वाइज वीडियो होना चाहिए ठीक है एक बार मैं सारा एम खत्म कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद मैं चैप्टर वाइज वीडियोस भी बनाऊँगा ठीक है ताकि सबके लिए हेल्प होता रहे पहले जितने भी इम्पोर्टेंट एम मतलब रट के जाना है उस, उसको मतलब भूलना नहीं है बिकॉज बेसिक लेवल ऑफ कंप्यूटर तो सबका क्लियर ही है ठीक है अभी बस तुमको क्वेश्चन रटवाना है मुझे ठीक है ताकि एग्जाम में जाके तुम भूलो नहीं इन कंप्यूटर साइंस बाय इंफॉर्मेशन वी मीन एनी आउटपुट कमिंग आउट फ्रॉम कंप्यूटर ए रिपोर्ट प्रिंटेड बाय कंप्यूटर प्रोसेस डेट इंटेलिजेंट फॉर्म प्लूरल ऑफ डेटा तो ये हो जाएगा सी प्रोसेस डेटा पुट इन इंटेलिजेंट फॉर्म ए कंप्यूटर साइंस बाई इंफॉर्मेशन वी मीन प्रोसेस डेटा पुट इन इंटेलिजेंट फॉर्म तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर साइंस जो डेटा है वो इंटेलिजेंट फॉर्म में हम लोग प्रोसेस करते हैं विच आर दर पार्ट्स ऑफ सीपीओ मेमोरी कंट्रोल यूनिट इनपुट डिवाइस या फिर प्रिंटर तो ये क्या हो जाएगा बी कंट्रोल यूनिट ठीक है द पर्पज ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज टू मीट स्पेसिफिक यूजर नीड्स मेक इक्विवेलेंट रन बेटर अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल रिसोर्सेज बेटर कन्वर्ट प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज तो ये आ, ये एक्चुअली है क्या ठीक है एप्लीकेशन प्रोग्राम आर द प्रोग्राम दैट आर क्रिएटेड फॉर यूजर्स नीड ठीक है तो यह क्या हो जाएगा यूजर्स नीड के लिए तो मीट स्पेसिफिक यूजर्स नीड माइक्रो कंप्यूटर्स आर एट बीट सिक्सटीन बीट थर्टी टू बीट इधर एट बीट और बिट तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होगा तो ये होगा इधर एट बिट और सिक्सटीन बिट माइक्रो प्रोसेसर 8 एट या तो सिक्सटीन बिट ठीक है एलेस्टिस लास्ट इंटीग्रेशन यूज इन फर्स्ट जेनरेशन सेकेंड जेनरेशन थर्ड जेनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन तो एलेस्टिस हम लोग ने यूज किया था फोर्थ जेनरेशन में एल एस टी का फुल फॉर्म होगा एल एस टी लार्ज इंटीग्रेशन ओके तो इसका हो जाएगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ठीक है लार्ज स्केल एज पर स्केल एल एस आई एल एस आई इंटीग्रेशन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अगर एल एस आई पूछेगा तो वो हो जाएगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ए डैश इज यूज एज ए सर्वर इन लैन मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मिनी कंप्यूटर ए मिनी कंप्यूटर यूज एज ए सर्वर इन लैंड ए डैश कैन ऑपरेट एट एट हाई स्पीड एंड कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर तो क्वेश्चन क्या पूछा था ए डैश कैन ऑपरेट एट हाई स्पीड एंड सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर हंड्रेड्स ऑफ यूजर कौन सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट करेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर फॉर मशीन मशीन्स आर यूज टू सेंड डॉक्यूमेंट्स थ्रू ए टेलीफोन लाइन मॉडर्म को एक्शल वायर या फिर ऑल ऑफ दिस तो ये हो जाएगा टेलीफोन लाइन्स फैक्स मशीन्स में देखा होगा ना वहाँ पे एक लैंडलाइन भी रहता है ठीक है तो थ्रू टेलीफोन लाइन तो फैक्स का फुल फॉर्म क्या है अगर पूछा गया तो फैक्स का फुल फॉर्म क्या है तो इसका है फेसी ट्रांसमिशन एफ एस सी आई एम आई एल ई ट्रांसमिशन ईमेल -E, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इमरजेंसी मेल या फिर <coughs> 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 तो क्या हो जाएगा ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल टू कनेक्ट टू इंटरनेट दूसर नीड्स टू हैव ए मॉडर्म दैट कैन हैंडल डैस बी पी एस नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थाउजेंड वन हंड्रेड या फिर नाइन थाउजेंड तो इसका आंसर होगा बी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेज सिचुएटेड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन तो एक हो गया बिगिनर्स हो गया बिजनेस तो यह क्या होगा कोबॉल ठीक है कोबोल का फुल फॉर्म क्या हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज वही चाहता द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस प्लॉटर प्रिंटर माउस स्कैनर कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है माउस माउस इज एन इनपुट डिवाइस वही चाहे द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड वीडियो माउस प्रिंटर नॉट इनपुट डिवाइस मतलब तो कीबोर्ड इनपुट हो गया वीडियो आउटपुट हो गया माउस आउटपुट ठीक है तो यहाँ पे ना दो आंसर हो जाएगा थर्टी फोर में वीडियो होगा और प्रिंटर हो जाएगा ऑफ फॉलोइंग डिस्क इज़ फ्लॉपी, मैग्नेटिक या फिर नन। तो ये हो जाएगा फ्लॉपी डिस्केट मैग्नेटिक टेप इज ए सिक्वेंशियल डिवाइस पैरेलल डिवाइस बोथ ए एंड बी या फिर नन ठीक है तो आ, ऑडियो टेप देखा है क्या ठीक है वो एक मैग्नेटिक टेप है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिक्वेंशियल डिवाइस ए डम्प टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ सीपी एन एप्लीकेशन वीडियो एंड ए की बोर्ड वीडियो ए की बोर्ड एंड ए पैरिफेरियल वीडियो प्लस सेकेंडरी मेमोरी तो ये हो जाएगा ए डम्प टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ ए वी डी यू एंड ए कीबोर्ड वीडियो डिस्प्ले यूनिट एन ए की बोर्ड ए स्मार्ट टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ वीडियो एन ए की बोर्ड प्लस की बोर्ड एंड इज फेरेफेरियल वीडियो प्लस सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू एन इज एप्लीकेशन बफरिंग इज अ सेकेंड मेथड ऑफ ओ हा कंसिस्ट ऑफ क्या होगा इसका तो ये हो जाएगा सीपी यू एंड इज एप्लीकेशन स्मार्ट टर्मिनल सीपीयू एंड इज एप्लीकेशन बफरिंग इज अ मेथड ऑफ इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग कैरी आउट डेवलपमेंट सिंगल एट अ टाइम ओवरलैपिंग इनपुट आउटपुट जॉब तो बफरिंग क्या हो जाएगा तो बफरिंग हो जाएगा ओवरलैपिंग इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग ऑफ ए टेक्स सिंगल जॉब डी बी एम एस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा बैंक मॉनिटरिंग सिस्टम या फिर नॉन ऑफ दिस तो इसका हो जाएगा डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम तो ये क्रिएट क्या करता है ये क्रिएट करता है डेटा वेन रेकॉर्ड्स ऑन मैग्नेटिक डिस्क आर ऑर्गेनाइज इन टैक्स सिक्वेंशियली द मोस्ट इफिशियंट मैथड ऑफ एक्सेस इज सिक्वेंशियल सेलेक्टिव सिक्वेंशियल सीरियल या फिर रैंडम तो ये हो जाएगा सेलेक्टिव सिक्वेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रू मेमोरी इज पार्ट ऑफ सीपी प्राइमरी स्टोरेज इज इंटरनल स्टोरेज इमीडिएट एक्सेस स्टोर फॉर्म्स पार्ट ऑफ सीपीयू ऑल ऑफ ए बी एंड सी तो ये सारे के सारे हो जाएंगे ठीक है मेमोरी पार्ट ऑफ द सी पी यू प्राइमरी स्टोरेज इज इंटरनल स्टोरेज इमीडिएट एक्सेस फॉर्म स्टोर फॉर्म्स पार्ट ऑफ दीपीओ विच इज द सेम एस इंटरनल स्टोर मेन प्राइमरी सेकेंडरी ए बी आर ट्रू कौन सा होगा ऐसे टाइप में ज्यादातर क्या होता है डी हो जाता है ठीक है जब ऐसे दिया रहेगा तो मेन एंड प्राइमरी विच आर द सेम एस इंटरनल स्टोर मेन एंड प्राइमरी एफ ए क्यू स्टैंड फॉर फास्ट एक्सेस स्क्वेरी फ्रीक्वेंटली एक्सक्वेरी फास्ट आस्ट क्वेश्चन या फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन तो सब में देखना एफिक्यू रहता ही है ठीक है तो ये हो जाएगा फ्रिक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन ए डेडिकेटेड कनेक्शंस अलाउ द यूजर्स कंप्यूटर टू रिमेन कनेक्टेड टू इंटरनेट फॉर टैस नंबर ऑफ डेज मतलब कितने घंटा पर डे पर ओके ये पूछा गया तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर आवर पर डे पूरा का पूरा तुम रह सकता है कोई दिक्कत नहीं होगा और यहाँ पे कुछ सैम्पल पेपर्स है ठीक है चलो उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट एंड आउटपुट यूनिट मेमोरी यूनिट ऑल ऑफ द एबव चलो इसका आंसर मुझे अभी दो ठीक है लाइव चैट ऑन करो ठीक है और लाइव चैट का आ, जितने भी हैं ठीक है अभी इसको अगर देख रहे हैं तो मुझे ये बता दो ये जो हम आ, मैं इसको अपलोड करता हूँ ठीक है जितने भी क्वेश्चन हैं दिन के कौन से टाइम में अपलोड करो ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं ना सब एक साथ आए ठीक है और लाइव चैट में सब लोग अपना डाउट्स वगैरह सब पूछते रहे क्योंकि वहाँ पे तो मैं प्रेजेंट रहता ही हूँ ठीक है और कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो ये नहीं समझा वो नहीं समझा ठीक है ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा तो मैं तुरंत वहाँ पे क्या कर सकता हूँ ना इंटरेक्ट कर सकता हूँ और अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया मैंने वन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ तो इसके सारे जो आंसर है वो डायरेक्ट लाइव बॉक्स में तुम लाइव चैट में दे सकते हो ठीक है और वहाँ पे हम लोग टैली कर सकते हैं आंसर्स अगर कहीं पर कुछ गलती हुआ ठीक है यस मैं वहाँ पे इमिडियटली वहाँ पे सुधार सकता हूँ जैसे आ, कुछ कुछ क्वेश्चन हो गया ठीक है थीके? जैसे डिस्कशन हो गया तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ठीक है यस सर ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए हाँ करेक्ट तो एक डिस्कशन रहता है रेदर देन वन साइडेड हो जाएगा अब मैं ही बताते जा रहा हूँ ठीक है तो आ, कौन सा दिन के कौन से टाइम में सब लोग फ्री रहते हैं बहुत लोग का जॉब रहता है ठीक है वीडियो देख नहीं पाते कौन सा टाइम में सही रहेगा देने के लिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये वाला टाइम में अपलोड uh, करना है ठीक है ताकि लाइव चैट ऑन रहे ठीक है हम लोग वहाँ पे लिख सकें ओके okay. तो ये क्या होगा ये हो गया डी ऑल ऑफ़ द एबव ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट एंड आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट विच आर फॉलोइंग मेमोरीज इज़ कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक टेप्स मैग्नेटिक ड्रीम्स या फिर सेमी कंडक्टर मेमोरी तो ये हो जाएगा सेमी कंडक्टर मेमोरी ऑपरेटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पीड ठीक है तो ये हो जाएगा सेमीकंट्रिक मेमोरी वन थाउजेंड बाइट रिप्रेजेंट है मेगा बाइट किलो बाइट जीगा बाइट नॉन ऑफ दिस वन थाउजेंड बाइट तो ये हो जाएगा किलो बाइट वन के बी कितना होता है वन के बी कितना होता है वन जीरो टू फोर बाइट्स होता है ये के भी होता है अगर वन जीरो टू फोर वाइज कहीं पे दिया रहेगा ठीक है ऐसा क्लिक कर देना मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डेस्क इस कॉल स्वैपिंग स्केडिंग कैचिंग या फिर स्पूलिंग तो ये हो जाएगा स्पूलिंग मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डेस्क इस कॉल स्पूलिंग सेंडिंग ए फाइल फ्रॉम ए पीसी प्राइमरी मेमोरी और डेस्क टू अनदर कंप्यूटर इस कॉल डाउनलोडिंग अपलोडिंग लॉगिंग ऑन ट्रेसिंग ऑन बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है ठीक है सेंडिंग ए फाइल फ्रॉम यर पीसीस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और डेज टू अनदर कंप्यूटर इज कॉल उसको क्या कहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लॉगिंग ऑन ए सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड ए स्टार नेटवर्क रिंग नेटवर्क बस नेटवर्क या फिर मैश नेटवर्क तो ये हो जाएगा स्टार नेटवर्क स्टार नेटवर्क क्या होता है सेंट्रल हब थ्रू विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ठीक है एक मेन हब रहेगा जहां पे सारा कंप्यूटर्स कनेक्ट रहेगा ठीक है ये इसको कहते हैं स्टार नेटवर्क ए विंचेस्टर डिस्क इज ए फ्लैक्सीबल डिस्क डिस्क रिमूवेबल डिस्क या फिर नॉन रिमूवेबल डिस्क विचेस्टर डिस्क ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक डिस्क स्टैक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेर द फर्स्ट टू यूजर्स न्यूट्रल नेटवर्क यूज टू ट्रांजिस्टर्स इंस्टेट ऑफ वैकम ट्यूब वेर द फर्स्ट टू यूज द बिल्ड इन एयर डिटेक्टिंग डिवाइस या फिर नन तो so, ये हो जाएगा नन तो so, इनमें से एक भी नहीं है विच आर द फॉलोइंग इज द फास्ट है सीपी यू मैग्नेटिक डिस्ट एंड सेंसर्स मैकेनिकल कंट्रोलर्स या फिर वीडियो टर्मिनल्स तो ये हो जाएगा सबसे फास्ट कौन है सी पी यू ए कलेक्शन ऑफ वायर्स डेट कनेक्ट सेवरल डिवाइस इज कॉल बस बाइडरशनल वायर्स लिंक या फिर केबल्स तो ये हो जाएगा केबल्स एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमरिकल इज एम्प्लॉय एड्रेस बैंक बैलेंस एग्जामिनेशन स्कोर पेरोल डेटा तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमरिकल डेटा एम्प्लॉय एड्रेस यहाँ पे एड्रेस रहेगा तो ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा रहेगा ठीक है बाकी सब क्या है न्यूमेरिकल मतलब वन टू थ्री फोर तो नॉन न्यूमेरिकल क्या हो गया एल्फेटिकल तो एम्प्लॉय एड्रेस हो जाएगा नॉन न्यूमेरिकल डेटा ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द लोडर असेंबलर कॉम्प्लायर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है हर एक कंप्यूटर में वो बूट करने के लिए उसको क्या चाहिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज हो गया विस्टा हो गया ठीक है विंडोज़ टेन ये सब तो ये हो गया बूट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर कैन कैन बी यूज टू मेक कैलकुलेटर्स कंप्यूटर्स डिजिटल सिस्टम या फिर ऑल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कैन यूज टू मेक क्या करता है कैलकुलेटर्स कंप्यूटर्स डिजिटल सिस्टम तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ अबव ए बूट स्ट्रैप इज ए मेमोरी डिवाइस बूट स्ट्रैप क्या हो गया तो मेमोरी डिवाइस ऑन एरर करेक्शन टेक्निक ए स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्टअप कंप्यूटर या फिर डिवाइस टू सपोर्ट द कंप्यूटर तो ये हो जाएगा स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्टअप ए कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस मेमोरी डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसर ऑल ऑफ दी ऑल ऑफ दबविच आर द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट टू लैंड यूजिंग सेम लैंड प्रोटोकॉल्स ओवर ए वाइड एरिया ब्रिजेस राउटर्स स्टैंडर्ड पाथ या फिर गेटवे तो ये हो जाएगा D, अब द फॉलोइंग इज कनेक्ट टू लैन दो लैन कनेक्ट करते यूजिंग द सेम लैन ओवर ए वाइड एरिया तो ये हो जाएगा ब्रिज ठीक है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम ए मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड राइटिंग रीडिंग बैंड शेकिंग या फिर कंट्रोलिंग तो so, इसको हम लोग कहते हैं राइटिंग कॉपिंग डाटा फ्रॉम ए मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड राइटिंग जैसे सीडी में राइट करो अरे सीडी को राइट कर दो ठीक है तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना पूछा द फॉलोइंग कंप्यूटर इज द लीस्ट पावरफुल मेन मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर तो ये हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट्स डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम इज सिंप्लेक्स डुप्लेक्स मल्टीप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स तो ये हो जाएगा बी डुप्लेक्स ठीक है तो जैसे लास्ट वीडियो में आ, राम ने पूछा था ठीक है तो लाइव चैट में पूछा था तो डुप्लेक्स क्या है तो वैसे तरह से अगर किसी को समझ में नहीं आता है कुछ तो ऑन द स्पॉट पूछ सकते हो ठीक है और वहाँ पे आंसर में दे सकता हूँ अच्छा एक डुप्लेक्स का एग्जांपल बताओ क्या होगा टेलीफोन ठीक है टेलीफोन हो जाएगा क्यों वहाँ से बात जब कर रहे हैं हम सुन भी रहे हैं ठीक है ठीके? तो टू वे कनेक्शन उसको क्या कहते है? हैं डुप्लेक्स कहते हैं द कम्युनिकेशन मूड दैट सपोज टू वे ट्रैफिक बट ओनली वन डिरेक्शन एट अ टाइम इज टू वे ट्रैफिक बट ओनली वन डिरेक्शन एट अ टाइम तो ये हो जाएगा सिंप्लेक्स डुप्लेक्स मल्टीप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स ये हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स चलो नेक्स्ट करते हैं द टर्म्स पुलिंग एंड बफरिंग कम फर्स्ट अंडर द प्रोसेसिंग ऑफ सीरियल प्रोसेसिंग बैच प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग तो ये हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग पिक द फॉल्स ऑनली विच आर द फॉलिंग इज एडवाटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज रिडेबिलिटी पोर्टेबिलिटी रोजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हार्ड डिबर्किंग तो यह हो जाएगा डी हार्ड डिबर्किंग डी ये होना चाहिए हाई लेवल लैंग्वेज बिलोंग्स फ्राम विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस अच्छा यहाँ पे अगर कोई जैसे ये सब तो ऑलरेडी नहीं ये सब हम लोग लास्ट में एक बार तो करेंगे ठीक है अगर किसी को जानना होगा तो बैच प्रोसेसिंग क्या है तो एक बार बता देता हूँ इट इज़ द प्रोसेसिंग मॉड्यूल इन विच द वेरियस प्रोसेसिंग्स आर बैच ऑल टुगेदर ठीक है हाई लेवल लैंग्वेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग लैंग्वेज सेकेंड थर्ड फोर्थ या थर्ड एंड फोर्थ तो हाई लेवल लैंग्वेज कहाँ का है ये पूछा है तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो जाता है थर्ड ठीक है पूछा तो फॉलोइंग इज नॉट सो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस फोर्थ्रवल या फिर फॉक्स प्रो जब पूछा है कि विच इज नॉट सो पॉपुलर इस इन बताओ तो इनमें से कौन सा नाम तुमने सुना नहीं है सी प्लस प्लस सुना होगा सबने वोटरन सुना होगा कोबल होगा फॉक्स प्रो सुना है कभी ठीक है तो इट्स नॉट सो पॉपुलर प्रोटोकॉल इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन सिमिलर मॉड्यूल डिसिमिलर मॉड्यूल बोथ ए एंड बी या फिर नॉन ऑफ दी एबोव तो ये हो जाएगा डिसिमिलर ट बिटवीन डिसमिलर मॉड्यूल इन विच टोपोलॉजी डेटा पैकेट इज रिमो बाई देशन रिंग बस स्टार या फिर तो, ये हो जाएगा, A, में, तो अगर यहाँ पे अगर पूछतेजी तो तो क्या होता है जोमेट्रिक अरेंजमेंट होता है ठीक है और ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क तो रहेगा और एक कोई ज्योमेट्रिक कॉम्बिनेशन रहेगा तो उसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं द सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ मल्टी टास्क इज कॉल्ड एस टाइम शेयरिंग रियल टाइम सिस्टम स्विचिंग या फिर नन तो ये हो जाएगा कॉन्टेक्स स्विचिंग द टर्म यूज वाइल अलाउसैप द इनपुट ऑफ वन जॉब विद्यूटेशन एंड आउटपुट ऑफ अदर जॉब बफरिंग स्पूलिंग गोफरिंग या फिर uh, browsing. तो ये हो जाएगा स्पूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर यूज इन एनवायरमेंट्स वेद ए लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स मोस्टली एक्सटर्नल टू कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसेस इन अ शॉर्ट टाइम और विद द सर्टेन डेडलाइन इज कॉल टाइम शेयरिंग सिस्टम रियल टाइम सिस्टम कॉन्टेक्ट स्विचिंग या फिर ऑनलाइन सिस्टम तो ये क्या हो जाएगा एकदम बहुत कम टाइम में हम लोग को काम करना है तो ये हो जाएगा रियल टाइम सिस्टम विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट टू लैंड यूजिंग सेम लैंड प्रोटोकॉल्स ओवर ए वाइड एरिया राउटर ब्रिजेस गेट वेज नॉन तो ये वाला क्या होगा बताओ ब्रिज क्या होता है एक डिवाइस होता है कनेक्ट करता है दो सिमिलर डिसिमिलर लैंड्स को ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा ब्रिजेस हो जाएगा विच टाइप ऑफ एरर्स आर फ्लैग बाय कंपाइलर्स लॉजिकल एरर्स सिंटेक्स एरर्स रन टाइम एरर्स या फिर कोई नहीं तो ये जो लॉजिकल एरर्स टाइप ऑफ एरर्स आर फ्लैग बाय कंपाइलर्स फर्स्ट लेवल डोमेन इज गिवेन इन द बिगिनिंग द मिडिल द इन टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट लेवल डोमेन फर्स्ट लेवल डोमेन क्या होता है टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट लेवल डोमेन लेफ्ट साइड में ठीक है डोमेन का पहला नाम The mapping from assembly language instruction into machine language instruction is one to one, one to many, many to many, or many to one. So, this will one to one. Mapping of assembly language instruction into machine language instruction is one to one. Which of the following is not the operating system models? Layered structure. वर्चुअल मशीन सिस्टम कर्नल बेस मॉडल डेस्कटॉप सिस्टम तो फोर्टीन uh, का क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा डी डेस्कटॉप सिस्टम नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल्स डेस्कटॉप सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल नहीं है वो वट इज एब्रिवेशन ऑफ जी यू आई ठीक है इंपॉर्टेंट है ये भी ग्रैंड यूजर इंटरचेंज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटीग्रेशन ग्राफिक गोफर यूजर्स इंटरफेस तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वीचर द फॉलिंग इज नॉट द पैकेज ऑफ डी बी एम एस कोबरा कॉरबा फोक्सप्रो इंटीग्रा या फिर इनग्रेस यूनिफाई ये हो जाएगा कौरबा इज नॉट द पैकेज ऑफ डी बी एम एस ये हो जाएगा कौरबा ठीक है टॉप लेवल डोमेन गिवन बाय द बिगिनिंग मिडिल एंड या फिर नन तो ये हो जाएगा टॉप लेवल डोमेन ये हो मिडिल में हम लोग देते हैं ठीक है टॉप लेवल द नेम गिवेन टू ए सिक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर रिजल्ट इज ए प्रोग्राम एन एलगोरिदम ए श्यूडो कोड ए फिर डिसीजन टेबल ठीक है तो ए, पहले बताया था प्रोग्राम क्या होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है डेट आर रिटर्न एंड एग्जीक्यूटिव इन प्रॉपर प्रोसीजर ठीक है सिक्वेंस इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर रिजल्ट तो ये क्या हो जाएगा प्रोग्राम इसको रटी लो ठीक है हो जाएगा फॉलोइंग इज नॉट यूज इन सी प्रोग्रामिंग एरे फंक्शन लिमिट्स या फिर पॉइंटर्स तो ये हो जाएगा लिमिट्स सी प्रोग्राम में हम लोग लिमिट्स यूज नहीं करते विच आर वन अबाउट प्रोसेसिंग सीरियल प्रोसेसिंग बैच प्रोसेसिंग मिनी प्रोसेसिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग सर जल्दी से जल्दी इसका आंसर दो लाइव नहीं देख रहे वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तो ये हो जाएगा मिनी प्रोसेसिंग में ऑर्ड वन अबाउट प्रोसेसिंग मिनी प्रोसेसिंग ठीक है पेपर थ्री भी सॉल्व भी कर लेते हैं ठीक है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम विजिकल्स यूनिक्स लिनक्स या फिर एमएस डॉस एमएस डॉस सुना हुआ है लिनक्स सुना हुआ है यूनिक्स भी सुना हुआ है तो यहां पे क्या हो जाए विजकल्स नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम तो नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल मेटाफोर पैराडिम डेवलपमेंट बाय विच साइंटिस्ट डेनिक्स रेची कैन थॉम्सन एलन की या फिर मार्टिन रिचर्ड तो ये हो जाएगा एलन की फिजिकल मेटाफोर पैराडाइगम विच आर द फॉलोइ इज ऑर्ट टर्म ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जी ए यू ऑर्ट टर्म कौन सा है बीट मैपिंग मैप डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स आइकन्स डोर टू डोर सेटअप तो ये हो जाएगा डोर टू डोर सेटअप विच टाइप ऑफ इंजीनियर मोस्टली यूज केस टूल्स इंटरनेट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आर डी बी एम एस या फिर डी बी एम एस तो ये हो जाएगा सी आर डी बी एम एस केस का फुल फॉर्म क्या अगर है अगर पूछेगा केस का फुल फॉर्म तो ये हो जाएगा कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ठीक है ए आई डी डी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछा द फॉलोइंग नेटवर्क सॉल्यूशन इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग विद इन ए बिल्डिंग लैन मैन वैन नन ऑफ दिस तो ये वाला पहले भी बोल चुका है इसका है आंसर लैन डेटा ट्रांसफर रेट फॉर लैन इज नॉर्मली हंड्रेड टू वन टू हंड्रेड एम बी पी एस वन टू टू एम बी पी एस टेन टू हंड्रेड एम बी पी एस या फिर नन ऑफ दिस तो जब भी हम लोग लैंड यूज करते हैं राइट साइड में जो डेस्कटॉप का राइट साइड में दिखेगा हमेशा हंड्रेड एम बी पी एस ठीक है तो ये होता है वन टू हंड्रेड एम बी पी एस वेन वन रीड्स एड्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डोमेन नेम सिस्टम द सब नेम्स गो फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल गो फ्रॉम पर्सनल आई पी टू ऑर्गेनाइजेशन नेम गो फ्रॉम मोस्ट जेनरल टू मोस्ट स्पेसिफिक नो हार्ड एंड फास्ट रूल आर ऑब्जर्व तो ये हो जाएगा गो फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जेनरल द मोस्ट कॉमन सीरियल इंटरफेस इज आर एस थ्री ट्वेंटी थ्री सी आर एस टू थर्टी थ्री सी आर टू टू थ्री सी या फिर आर टू थर्टी टू सी ये हो जाएगा आर देखो आर सी याद रखना है आर सी टू थ्री टू ठीक है मोर सीरियल इंटरफेस आर ऑर सी पीछे रहेगा बीच पीछ में रहेगा टू थ्री टू द मैग्नेटिक टेप द इनर ब्लॉक गैप इज़ अबाउट फोर इंचज पॉइंट फोर इंच टू इंचेस या फिर वन पॉइंट फोर इंचस तो ये हो जाएगा बी ज़ीरो पॉइंट सिक्स इंचज द लेटेंसी टाइम ऑफ ए हार्ड डिस्क इज़ द टाइम टेकन बाय द डिस्क फॉर हाफ ए रोटेशन क्वार्टर ऑफ रोटेशन वन रोटेशन या फिर टू रोटेशन तो ये हो जाएगा हाफ ए रोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है लेटेंसी टाइम पूछेगा तो हाफ रोटेशन होता है पूछा तो रॉन्गली नेम इंटीग्रेटेड सर्विस नेटवर्क आई पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क पी एस टी एन पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पी एस टी एन तो ये हो जाएगा सब तो सही है तो हो जाएगा डी ठीक है कंप्यूटर वायरसेस कैन मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर बाई मींस ऑफ इन्फेक्टेड डिस्क लिंक टू द नेटवर्क डाउनलोडेड प्रोग्राम फ्रॉम ए बुलेटिन बोर्ड या फिर ऑल ऑफ दी एबोव तो ये जगह सब सही है ठीक है कंप्यूटर वायरस क्या करता है मल्टीप्लाइन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू आदर बाय मीन्स ऑफ क्या इन्फेक्टेड डिस प्रेटर दे दिया ऐसा टाइप का ठीक है सी दे दिया लिंक टू ए नेटवर्क को एक लिंक दे दिया उसमें क्लिक कर दिया गया फिर ख़त्म डाउनलोडेड प्रोग्राम फ्राम ए बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड से कोई डॉट डी फाइल ले लिया ठीक है उसमें वायरस था इंस्टॉल हो गया खत्म कंट्रोल यूनिट इज ऑफ कॉल्ड द डैश ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर नव नव सेंटर क्लॉक मास्टर डिस्पैचर या फिर ऑल ऑफ द अबोव तो ये हो जाएगा मास्टर डिस्पैचर कहीं पे एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे इसका मुझे थोड़ा सा हल्का सा डाउट लग रहा है ठीक है मतलब ऐसे वो कमेंट बॉक्स भरने के लिए मैं बीच बीच में बोल देता हूँ तो इसका कंट्रोल यूनिट इस ऑफ एंड कॉल द डैश ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर एक बार इसको सर्च करके मुझे इसका आंसर बताना ठीक है क्योंकि पिछले वीडियोस में मुझे लगता है कि इसका आंसर मैंने ऑल ऑफ द एबो बोला है तो इसका हो जाएगा मास्टर डिस्पैचर हार्ड डिस्क बिकम टोटली इनएक्सेबल वेन ए कॉम कंप्यूटर वायरस करप इट्स पार्टीशन टेबल रउडरी बुथ सेक्टर या फिर नन कोई नहीं तो ये हो जाएगा बूथ सेक्टर विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ द सीपीयू प्राइमरी स्टोरेज इज इंटरनल स्टोरेज इमिडिएट एक्सेस स्टोर फ्रॉम्स पार्ट ऑफ द सी पीयू या फिर ऑल ऑफ द अबव तो ये हो जाएगा इमिडिएट एक्सेस स्टोर फ्रॉम्स पार्ट ऑफ द सीपीयू फॉलोइंग फॉलोइ ट्रू कोबोल इज अ लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन इज यूज बाई प्रोग्रामर ए एन आइटम ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दिस तो ये हो जाएगा कॉम्पाइल आइटम ऑफ सॉफ्टवेयर तो कंपाइलर क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो चेक करता है एग्जीक्यूटिव चेक करता है प्रोग्राम को है ना तो एवरी प्रोग्राम के लिए क्या होता है अलग अलग कंपाइलर रहेगा कैचे को रिहेंसेज कोर कॉजेस अप्रोक्सीमेटली फाइल इनकंसिस्टेंसी मेमोरी इनकॉन्सिस्टेंसी डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंसी तो ये हो जाएगा सिस्टम इनकंसिस्टेंसी। वैक्टर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन डोंट यूजेस इन वेदर फोरकास्टिंग पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एयरलाइंस या फिर ट्रेन रिजर्वेशंस तो ये हो जाएगा डी ट्रेन रिजर्वेशंस द की ऑफ द प्रोसेस आर आई एस सी इज पाइपलाइनिंग सिंपल डिकोडिंग बोथ ए एन बी या फिर नन ऑफ दिस तो ये हो जाएगा सी बोथ ए एन बी देखा फिर बोथ ए एन बी आ गया तो इसको क्लिक कर दिया अल्ट्रा कंप्यूटर यूजस नाउ इन डेज इन कम्स इन टर्म्स ऑफ मिनी कंप्यूटर मिन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर तो ये हो जाएगा ट्वेंटी का सी सुपर कंप्यूटर अल्ट्रा कंप्यूटर यूजर्स नाउ इन डेज टू कम इन टर्म्स ऑफ सुपर कंप्यूटर तो अल्ट्रा कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं सुपर कंप्यूटर बोलते हैं और कंटिन्यू करते हैं क्या चलो देते हैं क्या है उसमें ठीक है एक बार में निपटा देते हैं ये ये वीडियो खत्म होने के बाद अभी मेन फोकस्ड होगा जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं जहाँ से एग्जामिनर पेपर सेट करने वाला है वो वेबसाइट से ठीक है इसके बाद वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है आ, मतलब फॉर आसाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है ये बेस एक बार क्लियर कर लेते हैं चलो खत्म ही कर देते हैं आज इसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली एक्सपीरियंस सिम्टम ऑफ ए कंप्यूटर वायरल अटैक डिस्क एक्सेस टाइम इज रिड्यूस सिस्टम मेमोरीज इंक्रीज अवेलेबल डिस्क स्पेस इंक्रीज प्रोग्राम लोडिंग टेक्स लॉन्गर दैन नॉर्मल तो क्या होगा वुच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली एक्सपीरियंस सिम्टम कंप्यूटर वायरल अटैक कंप्यूटर वायरल अटैक क्या हो जाएगा प्रोग्राम लोडिंग टेक्स लॉन्गर दैन नॉर्मल अगर वायरस आ गया तो जैसे पहले कहते अरे मेरा पी बहुत फास्ट था अभी देखो क्या हो गया तो वायरस अटैक हो चुका है तो उसमें क्या लगाना कोई सा भी <coughs> सॉफ्टवेयर लगा देना कौन सा सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं उसका एंटीवायरस ठीक है उसके एंटी तो उसके बाद सारा वायरस को ख़त्म कर देगा तो पीसी फिर से फास्ट हो जाएगा विच इज़ द नेम ऑफ प्रोग्राम विच क्लेम्स टू बी समथिंग यूजफुल बट इट इज़ इंटेंशनल प्रोग्राम टू बी मेलेशियस तो ये वाला पिछले उसमें भी किया था तो क्या हो गया लॉजिकल बोम डबल एक्शन वायरस ट्रोजन हॉर्स या फिर टाइम बॉम्ब चलो 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 जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा ट्रोजन ट्रोजन हॉर्स ठीक है ये वायरस ही है तो बोलता है कि कुछ अरे बोलेंगे कि ये इसके लिए है पर होता ही कुछ और ठीक है जब ये ट्रोज़न वायरस निकला था बाप रे बाप खत्म हो गया था यार पूरा पीसी इसका फॉर्मेट मानना पड़ रहा रह था मजा आ गया था एकदम मार्क है सारा डेटा उड़ जाता था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल स्टोरेज सेमी कंडक्टर मेमोरीज मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक टेप या फिर सी डी रोम थ्री ए सेमी कंडक्टर मेमोरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सिक्वेंस चलो ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आ गया तो मजा, मजा आ जाएगा सीपीओ रजिस्टर मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कैच मेमोरी फॉलोइंग इज इन सिक्वेंस ठीक है रजिस्टर सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी कैच मेमोरी रजिस्टर कैच मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी रजिस्टर कैच मेमोरी मेन मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी तो ये हो जाएगा डी रजिस्टर कैच मेमोरी मेन मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी ठीक है कौन सा फास्ट है पहले बोलेगा रजिस्टर ठीक है यहाँ से ये वाला भी सॉल्व हो गया ठीक है कौन ज्यादा फास्ट है रजिस्टर उसके बाद कौन है कैच है मेन मेमोरी उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी पूछा था फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस लाइट पेन माउस प्लॉटर या फिर स्कैनर क्या हो जाएगा प्लॉटर हो जाएगा क्या फाइव सी प्लॉटर पूछा द फॉलोइंग इज अल्ट्रा डिवाइस ऑफ प्रिंटर स्कैनर लेजर डॉट मैट्रिक्स या फिर इंक जेट तो ये हो जाएगा द फॉलोइंग अल्ट्रा डिवाइस ऑफ प्रिंटर ल्ट्रा डिवाइस लेजर ठीक है तो टू क्विट एम एम एस डॉस प्रॉम टू रिटर्न टू तो विंडोज टाइप क्विट डबल क्लिक सिंगल क्लिक एक्सिट ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं बहुत सारे ठीक है तो ये हो जाएगा डबल क्लिक टू क्विट एम एस डॉस प्रोम रिटर्न टू विंडोज टाइप ठीक है डबल क्लिक नहीं हो गया यार ये एम एस डॉस बहुत दिन से किया नहीं है टू क्विट एम एस डॉस प्रोम टेन रिटर्न टू विंडोज़ विंडोज में फिर से आने के लिए ठीक है डॉस प्रॉम्प्ट अरे रन मार के जो मन भग एम एस डॉस करते हैं ना क्या कहते हैं उसको एक बार आंसर देना यार जल्दी से डी एग्जिट ठीक है तो सीधा एग्जिट मारो उसका याद आ गया एपीआई मीनस एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोडक्शन इंडस्ट्री या फिर नन ऑफ दिस तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ठीक है यहां पे कैसा आता था याद है ऐसा आता ना कुछ सी डॉट डॉट डेट तो यहां पे हम लोग को लिखना होता है एग्जिट तभी तो जाके वो एग्जिट होता था ठीक है परेशान कर दिया था यार सीधा एग्जिट ऐसे एग्जिट मारा उसके बाद एग्जिट हो जाता था डी डी ई फॉर डायनेमिक डेटा एक्सचेंज डायनेमिक डेटा बेस इंजिन डायनेमिक डेटा एक्सटेंशन या फिर नन ऑफ दी अबोव तो ये हो जाएगा टी डी स्टैंड फॉर डायनेमिक डेटा एक्सचेंज डी एल एल स्टैंड फॉर डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी डेटा डेटाबेस लिंक लाइब्रेरी Data link library, or none of the above. DLL stands for Dynamic Link Library. Which of the following is the desktop publishing DTP package? MS Word, WordStar, Ventura, or Word Perfect? So, Ventura. The framework which combines word processing, spreadsheet, database, and graphics function come under the category of इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बिजनेस ग्राफिक सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे आ जाएगा बिजनेस ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर मैच द फॉलोइंग चूज द करेक्ट वन मॉड्यूलिंग द सिस्टम फंक्शन डेटा फ्लो डायग्राम डी एफ डी एस रिलेशन बिटवीन सिस्टम डेटा ग्रुप नॉर्मलाइजेशन डिजाइनिंग ऑप्टीमल डेटा ग्रुप्स स्ट्रक्चर चार्ट डिजाइनिंग ऑप्टीमल प्रोग्राम मॉड्यूल्स या फिर एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम ऐसा नहीं आएगा ठीक है आने का चांसेस बहुत कम है मतलब नहीं आएगा हमको लग रहा है जब तक एग्जामिनर मेरा ये वाला वीडियो ना देख ले तो देख ले तो दे देगा चलो अभी अगर मान लेते कि देख ही लिया है ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा वैसे ए का ए बी का डी ए का ए मॉडलिंग द सिस्टम फंक्शन क्या होता है डेटा फ्लो डायग्राम बी का डी रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम डेटा ग्रुप एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम डिजाइनिंग ऑप्टिमल डेटा ग्रुप नॉर्मलाइजेशन डिजाइनिंग ऑप्टिमल प्रोग्राम मॉड्यूल्स ठीक है स्ट्रक्चर चार्ट क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द कंसेप्ट ऑफ विच एमोंग दिस वेब प्लानिंग थ्रीडी कंसेप्ट इनहेरिटेंस या फिर मल्टीमीडिया, तो ये हो जाएगा सी इन्टेंस क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द ऑफ अमंग दिस इनहेरिटेंस द ग्रैंडफादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज ग्रैंडफादर दादाजी ठीक है चार्ल बैबेज वॉन न्यूमैन ब्लाइस पास्कल डेनिस रिचे बहुत ही बढ़िया सवाल है ठीक है हम लोग को क्या पता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है चार्ल बबेज ठीक है यहाँ पे पूछा है ग्रैंड फादर ऑफ़ मॉडर्न कंप्यूटर इज तो अभी के जो कंप्यूटर है पहला कंप्यूटर मतलब कौन चार्ल ने खरीदा है ठीक है ख़रीदा नहीं है सॉरी बनाया है ठीक है चार्ल बबेज यहाँ पे ठीक है और मॉडर्न यहाँ पे ठीक है हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं तो तब का जमाने में फादर था अभी ग्रैंड कौन हो गया मॉडर्न के लिए मॉडर्न के लिए ग्रैंड कौन है दादाजी कौन हो गया अल्टीमेटली चार्ल तो हो गया ठीक है इन द सीपी द स्पेशल स्टोरेज आर कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मर इंटर प्रोटर या फिर रजिस्टर तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर मोस्ट अप्रोप्रिएटली द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपी यू डिजाइन एज टूगेदर ए एल यू सी यू बोथ ए एन बी या फिर नॉन दिस चलो इसका आंसर आप लोग बोलो क्या होना हो क्या होना चाहिए ठीक है मोस्ट अप्रोप्रियटली द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एस टूगेदर तो ये क्या हो जाएगा बोथ ए एन बी ठीक है फॉलिंग इज डेटाबेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पैकेज लोटस इनग्रेस यूनिफाई विजिकल्स या फिर जावा स्क्रिप्ट तो ये हो जाएगा इनग्रेस यूनिफाई विच आर द फॉलिंग इज अस्टम सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट ए कंप्यूटर प्रोग्राम रिटर्न बाई ए यूजर इन टू ए मशीन Understandable फॉर्म ठीक है थोड़ा धुंधला है ठीक है विच आर द फॉलिंग सिस्टम विच ट्रांसलेट ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है रिटर्न यूजर इन टू ए मशीन अंडरस्टैंडबल फॉर्म ठीक है मशीन लैंग्वेज में कौन लेके जाता है ये पूछा है लैक्सैक माइक्रोप्रोसेसर लैंग्वेज ट्रांसफर none ऑफ दिस तो लैंग्वेज में कौन ट्रांसफर करेगा लैंग्वेज ट्रांसफर ठीक है विच अर द फॉलिंग मैथ ओवरलैपिंग इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ऑफ ए सिंगल जॉब बहुत ही आसान है हम लोग कर चुके हैं ये वाला क्या है बफरिंग स्पूलिंग गोफरिंग या फिर ब्राउजरिंग तो इसमें क्या हो जाएगा देखो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ऑफ ए सिंगल जॉब क्या हो जाएगा उसमें हो जाएगा बफरिंग ठीक है तो चलो सैंपल फाइव में चलते हैं अभी पूछा दो फॉलिंग सेंटेस इज फॉल्स कंपाइलर स्कैंस द एंटायर प्रोग्राम फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेट्स इट इंटू मेड इंटरप्रीटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाई लाइन कंपाइलर्स एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर इंटरप्रिट इज गुड फॉर फास्ट डिवर्गिंग क्या होगा इसका तो इसका हो जाएगा सी कंपाइलर्स एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर वट इज़ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वी आर यूजिंग नाउ इट इज अभी हम लोग कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं थर्ड, फोर्थ फिफ्थ या फिर फोर्थ एंड फिफ्थ इस क्वेश्चन का जवाब जो लाइव देख रहे हैं लाइव बॉक्स में दे नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में देना ठीक है तो हम लोग अभी कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अभी यूज कर रहे हैं ठीक है जनरली कंप्यूटर्स यूजेस डेस्ट नंबर्स ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट ए करेक्टर इंटरनेशनली सिक्स एट सेवन या फिर नन तो ये हो गया सेवन नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर इनिशियली द ऑब्जेक्ट शिप हेज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेल्स वैप स्पीड थ्री डी कंसेप्ट या फिर लॉयल्टी तो ये हो जाएगा थ्री डी कंसेप्ट द ऑब्जेक्ट शिप हेज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री डी कंसेप्ट Critical to understand object-oriented programming is the concept of which among this web planning 3D concept multimedia inheritance. So, inheritance. Which of the following RDBMS package does not use generally in minis, Sybase, Bass, S plus, Informix, yafit Unify. the यह B Bass S plus. Which of the following RDBMS package does not generally use in mainframe? तो मेन फ्रेम में हम लोग कौन सा यूज नहीं करते हैं? तो हम लोग यूज नहीं करते इंटीजर्स फोकस ऑरिकल या फिर डीवीएस तो हम लोग यूज नहीं करते फोकस विच आर द फॉलोइंग हैव क्वेरी ऑप्टिमाइजर फोकस इन्ग्रेस ऑरिकल साइबेस इन इनफॉर्मिक्स यूनिफाई या फिर ऑरिकल इन्ग्रेस तो ये हो जाएगा ऑरिकल इन्ग्रेस बेसिकली विच आर द फॉलोइंग कार्ड इज नेसेसरी फॉर कंप्यूटर ऑपरेशन कार्ड वेरिएबल कार्ड्स बोथ ए एन बी या फिर नन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सबको पता है क्या होना चाहिए बोथ एंड बी ठीक है ऑपरेशन कार्ड्स एंड वेरिएबल कार्ड्स एरिथमेटिक यूनिट विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फोर बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन द स्टोर द मिल्स कार्ड्स एंड फिर आउटर्स तो ये हो जाएगा द मिल्स एरिथमेटिक यूनिट विच इज कैपल ऑफ परफॉर्मिंग द फोर बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन इज द मिल्स विच मैकेनिकल मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ द सेट्स ऑफ काउंटर व्हील्स द स्टोन मिल्स कार्ड्स या फिर आउटपुटर्स तो ये हो जाएगा इलेवन मैचिंग सेट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन कौन सा है चलो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है हालाँकि नहीं आएगा पर अच्छे से हम लोग को एक बार देख लेते हैं इसको मतलब मैच द फॉलोइंग जैसा नहीं आएगा पर ठीक है <coughs> तो ये हो गया डी ठीक है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या हो गया वैकम ट्यूब्स सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हो गया ट्रांजिस्टर्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हो गया इंटीग्रेटेड यूनिट्स और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हो गया चिप्स ए प्रोग्राम हुई मर्जस मेनी ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल्स लिंकर असेंबलर लोडर या फिर इंटीब्रेटर तो ये हो जाएगा लिंकर द थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज प्रोपोज बाय डैनियल बेल वैरसिकेनलिंग या फिर नन ऑफ दी दबव तो ये हो जाएगा एक भी नहीं है नन ऑफ दी दबोव वन इज चलो जल्दी से बताओ एक केबी कितना होता है वन जीरो टू फोर बाइट टू इंटू टू टेन बाइट्स या फिर ए एंड बी बोथ आर ट्रू कौन सा होना चाहिए तो ये यहाँ पे दोनों ही सही है ठीक है पर टूट करने से भी यही आंसर आता है द सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट ए कम्प्लीट एच एल एल प्रोग्राम टू मेन मशीन लैंग्वेज इज इन द इन वन गो सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट ए कम्प्लीट एच एल एल प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज इन वन गो कंपाइलर असेंबलर लोडर या फिर इंटरप्रेटर तो ये हो जाएगा क्या कंपाइल करता है वन गो में ठीक है तो कौन करेगा कंपाइलर गोफर डिस्प्ले सेट ऑफ रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एंड मैनर्स मैन्यूज ऑप्शन आइकन्स या फिर नॉन ऑफ दिस्ट एंड मैन्यूज इन द फॉर्म ऑफ गोफर कैसे डिस्प्ले करता है लिस्ट एंड मेन्यूज विच वेन लैंग्वेज हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू डेटा टाइप इट इज सेट टू बी रिप्रीहेंसीबल एंड एंड कैपलेटेड ओवरलोडेड या फिर एक्सटेंसिबल तो यह हो जाएगा रिप्रीहेंसीबल ए कंप्यूटर विच कन्वर्स ए प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज क्या होता है ये वाला क्या हुआ है तो इसको कहते हैं असेंबलर ए प्रोग्राम टू प्रोड्यूस वन रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम फ्रॉम ट्रांसलेटेड प्रोग्राम लोडर लिंकर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस तो ये हो जाएगा चलो तो चलो चलो जल्दी बताओ कहने में ट्विस्ट है अभी ए प्रोग्राम टू प्रोड्यूस वन रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम फ्रॉम ट्रांसलेटेड प्रोग्राम ठीक है रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम फ्रॉम ए ट्रांसलेटर तो इसको हम लोग क्या कहते हैं लोडर कहते हैं ठीक है चलो ये भी लगा लेते हैं ठीक है सैंपल नंबर सिक्स द स्क्रीन बैकग्राउंड इज नोन एज द एप्लीकेशन विंडो डेस्कटॉप या फिर फ्रेम्स तो इसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन स्क्रीन बैकग्राउंड इज नोन एज द एप्लीकेशन द सीडी रोम ड्राइव इज यूज टू प्ले कॉम्पैक्ट डेज टू प्ले म्यूजिक टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल डिजिटल इन्फॉर्मेशन तो ये क्या हो जाएगा सीडी रोम हम लोग क्यों यूज करते हैं टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस् तो सीडी रोम क्या होता है कॉम्पैक्ट डेज रीड ऑनली मेमोरी ठीक है अच्छा इसका आंसर अब लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के दीजिए ठीक है तो इसका आंसर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है ठीक है आई एम रियली नॉट श्योर इसका आंसर होना क्या चाहिए ठीक है मेरे हिसाब से टू प्ले म्यूजिक आना चाहिए ओके पर फिर भी आप लोग एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जो इसका सही वाला आंसर है ठीक है कई पेज में लिख लो और ये वाला सर्च करना ठीक है जैसे वीडियो ख़त्म होता है एक कंप्यूटर डेट कम्बाइंस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग हाँ और अगर नहीं मिले आंसर तो टू प्ले म्यूजिक ही मारना ठीक है द कंप्यूटर दैट कंबाइंस द करेक्टरिस्टिक ऑफ एनॉल एंड डिजिटल कंप्यूटर्स हाइब्रिड कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर एनॉल लॉग कंप्यूटर या फिर नन तो ये हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल को कंबाइन करेगा उसको क्या कहता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स आजकल जैसे हाइब्रिड कार्स आने लगे ना ठीक है तो दोनों को चीज़ को मिक्स कर देता तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स विंडोज नाइंटी फाइव इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एनवायरमेंट इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज या फिर नॉन ऑफ तो ये क्या है Windows क्या है विंडोज क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है ए कंप्यूटर दैट डील्स विद द फिजिकल क्वांटिटीज एनालॉग कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज तो हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर ALU of a computer normally consists of a number of high-speed storage elements called Semiconductor memory, register, hard disk magnetic disk so this will register number of high-speed storage elements called register memories in which any location can be reached in a fixed amount of time after specifying its address is called sequential access memory, random access memory, secondary memory, mass storage रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है क्यों क्योंकि वॉलेटाइल है ठीक है इट्स वॉलेटाइल इन नेचर डिवाइस ऑन वन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद डिवाइस ऑन अनदर नेटवर्क विया क्या होगा तो ये हो जाएगा क्या हो गया गेटवे ठीक है गेटवे वे होना चाहिए तो गेट वे होता क्या है एक डिवाइस है जहाँ uh, uh, से मैसेज इंटरचेंज होते हैं ठीक है एक कंप्यूटर कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज से अनदर कंप्यूटर ठीक है एक्चुअली गेट वे होता क्या है ये होता है एक ट्रांसलेटर बस सीधी सी बात है द डायग्राम विच इंडिकेट्स डेटा फ्लो इज फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर्ड चार्ट ऑल ऑफ द दबोव तो ये हो जाएगा डायग्राम क्या होता है इसे टाइप ऑफ फ्लो चार्ट ठीक है स्क्रीन बैकग्राउंड इज नोन एज द एप्लीकेशन विंडो डेस्कटॉप या फिर फ्रेम्स बढ़िया क्वेश्चन पूछा है मतलब इजी है पर अच्छा है ये हम लोग विंडो कहते हैं या फिर डेस्कटॉप कहते हैं एप्लीकेशन फ्रेम्स तो होगा नहीं ठीक है इन दोनों बचा तो क्या कहते हैं हम लोग अरे शो मी योर डेस्कटॉप ओके ब्रिंग टू द डेस्कटॉप तो हम लोग विंडो नहीं बोलते हैं डेस्कटॉप बोलते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे हो जाएगा डेस्कटॉप टॉप ए फ्लॉपी डिस्क इज ऑर्गेनाइज एज ट्रैक्स सेक्टर्स ट्रैक्स एंड सेक्टर या फिर हेड एंड साइड तो ये हो जाएगा ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ए हार्ड डिस्क इज लॉजिकली ऑर्गेनाइज एज ट्रैक्स सिलेंडर्स सिलेंडर्स एंड सेक्टर्स हेड एंड साइड तो ये हो जाएगा सिलेंडर्स एंड सेक्टर्स हार्ड हार्टिस लॉजिकली ऑर्गेनाइज एज सिलेंडर्स एंड सेक्टर्स तो यहां पे एक बार मैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में बोल देता हूँ वैसे भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोल चुका हूं ठीक है फ्लॉपर्टी फ्लॉपी इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड कैन कैरी इट आउट फ्राम वन प्लेस टू अदर द फ्लॉपी कम्स इन टू साइजेज़ फ़ाइव पॉइंट ज़ीरो इंच एंड थ्री पॉइंट फाइव इंच द फ्लॉपी दो साइज का आता है फाइव पॉइंट ज़ीरो इंच एंड थ्री पॉइंट फाइव इंच ठीक है बट हम लोग यूज़ कौन कौन सा करते हैं इन दोनों में से हम लोग नॉर्मली कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग करते हैं ये वाला थ्री पॉइंट फाइव इंच ठीक है ऐसा बस कभी आ सकता है तो याद कर लो द फुल फॉर्म ऑफ स्लिप इज सीरियल लो बस इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल सीरियल लाइन इंटरकनेक्टेड प्रोटोकॉल या फिर नॉन ऑफ दी एब तो ये हो जाएगा सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल स्लिप स्लिप का क्या हो जाएगा सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल ओके चलिए ये बोला आखिरी है ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए और हम लोग का एक बेसिक जो फाउंडेशन है वो लगभग हम लोग का क्लियर हो चुका है ठीक है अभी जैसे ही हम लोग एम और करेंगे नेक्स्ट आ, उसके ऊपर वाले का ठीक है ऊपर वाले लेवल का तो वैसे हम लोग का क्लियर हो जाएगा उसके बाद एक फुल टू रिविजन करेंगे ठीक है एक फुल रिविजन करेंगे हम लोग चलो ये वाला कर देते हैं ए फोल्डर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल टूल यूज टू स्टोर फाइल्स ए सिनोनिमस विद डायरेक्टरी बट फोल्डर इज द न्यूअर ईयर प्रीफर्ड टर्म कॉन्टेंट्स डेटा ए फोल्डर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल टूल यूज टू स्टोर फाइल्स इज सिनोनिमस विथ डायरेक्टरी बट फोल्डर इज अ न्यूअर इयर प्रीफर्ड टर्म कॉन्टेंट्स डेटा तो ए ओनली बी ओनली सी ओनली या फिर ए एंड सी ओनली या फिर नन ऑफ दिस ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना ए एंड बी ओनली हो जाएगा ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशनल टूल यूज टू स्टोर फाइल्स इज सिनोनिमस विद डिरेक्टरी बट फोल्डर इज द न्यूअर प्रिफर्ड टर्म द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कंटेनिंग द सर्कट्री दट डज द एडिंग सब मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग एंड कंपेयरिंग इज कॉल द एथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल मेमोरी सीपी या फिर नन ऑफ दिस तो ये हो जाएगा एरिथमेटिक मैथिक एंड लॉजिक जहाँ पे सारा काम किया जाता है एरिक एडिंग मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग कंपेयरिंग ठीक है द स्टोरेज द सप्लीमेंट द प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज बैक एंड स्टोरेज बैकग्राउंड स्टोरेज या फिर नॉन ऑफ दिस तो ये हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज ए ब्राउजर इज ए लाइन डेट delineates the age of a program window software program specially designed for viewing web pages on the internet tool for resizing the window device used for modifying the window ya fir, all of this browser actually hack yeah browser is a software program specially designed for weave, viewing web pages on the internet to pe ho web pages the storage device used to compensate for the differences in rate of flow of data from one device to another is termed as cheap channel floppy call buffer. So buffer. Which of the following is a following is standard code used to exchange information among data processing and communication system? ANSI, ACM, ASCII, APLN ओ एस आई तो ये हो जाएगा एस सी आई आई विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेंस रैम इट इन एक्निम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी इट इज़ मेमोरी बिल फॉर सिलिकन चिप्स डेट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा टेम्परेली वेल दे आर बींग प्रोसेस रीड एक्सेस मेमोरी तो uh, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ए सी बी सी ए बी या फिर ऑल all, थ्री uh, all या फिर नॉन ऑफ दिस तो सी तो है नहीं ठीक है बचा ए और बी तो ए और बी पे दिख रहा है ओनली सी कहा एन बी ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा फिर कन्वर्शन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म इज ए फंक्शन ऑफ सीपी इनपुट इंटरफेस आउटपुट इंटरफेस रैम या फिर नन ऑफ दिस तो ये हो जाएगा आउटपुट इंटरफेस कन्वर्शन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड जेनरेटेड रिजल्ट इन into human acceptable form is a function of output interface the components of a computer system with the circuitry to control interpretation and execution of instruction is known as alu memory control cpu or none of this the cpu the computer as a machine and all other equipments as associated with it is termed as hardware software firmware human ware नन ऑफ दिस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्यूटर एज अडर इक्विपमेंट्स एज एसोसिएटेड विद दिस नोन एज हार्डवेयर ठीक है तो यहाँ पे एक बेसिक वाला हम लोग का खत्म हो चुका है ठीक है अगले वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं ठीक है मेन क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन जो आने वाले हैं ओके ठीक है ओके थैंक यू ऑल